उधर जब पीएम मोदी के मिशन वाइल्डलाइफ को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, सियासी दलों में प्रोजेक्ट टाइगर का क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा है कि आज पीएम बांदीपुर में 50 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट लेंगे, वो खूब तमाशा करेंगे, जबकि पर्यावरण, जंगल, वन्य जीव एवं वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानून ध्वस्त किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भले ही सुर्खियां बटोर लें, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइगर रिजर्व में है और दूसरी तरफ उनके इस दौरे पर सियासत भी हो रही है। जयराम रमेश कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि ये दरअसल कांग्रेस के वक्त पर चलाई गई योजनाओं का नतीजा है। कांग्रेस के वक्त पर वन्य जीवों के लिए जो तमाम योजनाएं चलाई गई थी वो उसका नतीजा है और आज पीएम मोदी इसका क्रेडिट भी लेंगे। तो वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है तो बीजेपी ने पलटवार भी किया है। अमित मालविया ने ट्वीट के जरिए ही इसका जवाब भी दिया है और बताया है कि पीएम मोदी का आज का ये कार्यक्रम कितना खास है। तो देखिए, पीएम मोदी एक तरफ जंगल में हैं, टाइगर रिजर्व में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।